सनी लियोनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रही है। उन्होंने बहुत कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी वो पहचान बनाई है जहां तक पहुंचने में अभिनेत्रियों को कई दशक लग जाते हैं। सनी लियोनी का असली नाम करणजीत कौर है। बचपन में घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने पेंट हाउस मैगजीन के लिए शूट कराया। इस मैगजीन में बोल्ड शूट के लिए सनी को काफी अच्छे पैसे मिले। इसके बाद उन्होंने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और पूरी दुनिया में अपने फैन बना लिए। बिग बॉस के शो से ऑफर मिलने के बाद सनी भारत आई और एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए गुड बाय कर दिया। बिग बॉस में भले ही वो जीत नहीं पाई लेकिन यहाँ से उनके लिए बॉलीवुड के रास्ते खुल गए। उसके बाद सनी ने कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग भी किए और अपनी पहचान बनाई। सनी और उनके पति डैनियल के 3 बच्चे हैं और अभी वो अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है मशहूर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी जो है उनका रियल नाम ये नहीं है, उन्होंने अपना नाम सलमान खान की वजह से चेंज किया था। दरअसल कियारा आडवाणी ने जिस फिल्म से अपना पहला डेब्यू किया उस फिल्म में सलमान खान एक छोटा सा रोल था जिसे कैमियो कहा जाता है और इस रोल की वजह से वो कियारा आडवाणी से मिली, पर तभी उनका नाम आलिया आडवाणी था। इसीलिए सलमान खान ने कहा कि तुमको अपना नाम चेंज कर देना चाहिए क्योंकि आलिया पहले से ही एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है और सलमान खान कियारा से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और फेमस एक्टर थे और इसीलिए कियारा को उनकी एडवाइस अच्छी लगी और उनकी एडवाइस को उन्होंने मान लिया और नाम चेंज कर लिया। नंबर 3, दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी कोई फैन किसी बॉलीवुड स्टार के बहुत ही ज्यादा करीब जाता है तो उसके बॉडीगार्ड्स उन्हें धक्का मार देते हैं या फिर उन्हें दूर भगा देते हैं। कई बार तो इसमें मारा पीटी भी हो जाती है और इसके बाद बॉलीवुड स्टार को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट वजह है क्योंकि कई बार फैंस अपनी हद पार कर जाते हैं। जैसे कि एक बार अक्षय कुमार अपने सारे फैंस से हाथ मिला रहे थे और उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे और इसी बीच एक फैन ने उनके साथ एक बहुत ही ज्यादा भद्दा मजाक किया। इसे मजाक भी नहीं कह सकते बल्कि अटैक कह सकते हैं क्योंकि उस फ्रेंड ने अक्षय कुमार के हाथ में ब्लेड मार दी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अक्षय कुमार सबसे हाथ मिला रहे थे और उन्हें हाथ में थोड़ा जलन महसूस हुआ और उसने देखा तो उनका हाथ खून से लथपथ था और उनके हाथ पर एक कट लगा हुआ था और इसीलिए बॉडीगार्ड सख्ती बरतते हैं। नंबर 4, दोस्तों वास्तव में अगर पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश कोई है तो वो है कतर। लगभग 22 लाख जनसंख्या वाले इस देश में एक भी इंसान गरीब नहीं है, जहां इसके कुल मूल निवासी 12-15% ही है। है ना चौंका देने वाला फैक्ट। पर आपको बता दे कि कतर भी ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था। यहां 50 साल पहले दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते थे। 55 साल तक ब्रिटिश की गुलामी के बाद साल 1971 में कतर आजाद हुआ। यहां तेल और प्राकृतिक गैस के असीम भंडारों का पता चलने के बाद कतर की किस्मत बदल गई और देखते देखते इस देश ने तरक्की के आसमानों को छू लिया। कतर में आज भी राजशाही शासन होता है। इस देश की तरक्की के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, मानव कब और किस रूप में सबसे पहले अस्तित्व में आया ये कहना तो मुश्किल है, मगर ऐसा कहा जाता है कि कई लाख वर्ष पहले ऐसे प्राणियों का विकास हुआ जिन्हें हम इंसान कह सकते हैं, जिनमें द ग्रेट एपीज पिरोला पिथिकस को हमारे पूर्वज कहा जाता है, जिनमें समय के साथ बदलाव होता रहा और कुछ गोरिल्ला बंदर चिंपैंजी और एडिपिथिकस रेमिडस में विभाजित हो गए। इनमें एडिपिथिकस रेमिडस इंसान के विकास का वो स्वरूप था जिनका दिमाग संतरे के आकार का था और पैरों से उतरकर दोनों पैरों पर थोड़ा सीधा चलने लगे। जमीन पर सीधा चलने की वजह से पेड़ों की तुलना में ऊर्जा कम खर्च होती थी जिसकी वजह से ये पहले होमो हैबिलिस फिर होमो एरेक्टस और फिर होमो सेपियंस में बदल गए। होमो हैबिलिस के रूप में ही हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजारों से शिकार करना शुरू कर दिया था। जब ये होमो एरेक्टस में बदले तो इन्होंने आग से भोजन पकाकर खाना शुरू कर दिया। आग की खोज मानव इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी खोज थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारे पूर्वजों ने आवाज निकालना शुरू कर दिया जो होमो सेपियंस के निंडरथाल्स के रूप में सामने आए जो आज के इंसान की तरह ही चालाक शातिर और बुद्धिमान थे। इस तरह आधुनिक इंसान का स्वरूप निखर के आया। नंबर 6, वो दिन गए जब लोग ताजे दूध के लिए स्थानीय दूध बेचने वाले पर निर्भर रहते थे। लगभग अब हर चीज तैयार रूप में पैकेट में बेची जाती है और इसमें दूध भी शामिल है, पर क्या आप जानते हैं कि पैकेट वाला दूध आखिर बनता कैसे है? अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियां अपना दूध खुद प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि गाय रखने वाले पशुपालकों से ही लेती है, जिसे मिल्क कलेक्शन सेंटर इन पशुपालकों से 18 से ₹20 प्रति लीटर के हिसाब से दूध की क्वालिटी जांच कर खरीद लेती है। फिर मिल्क कलेक्शन सेंटर से दूध को मिल्क प्लांट में आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां दूध को पैकेट में पैक करने से पहले कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले दूध से क्रीम को अलग पेस्टराइजेशन के लिए भेज दिया जाता है, जहां दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ पाइप से 15 सेकंड तक गुजारना होता है। इसके तुरंत बाद दूध को दूसरे पाइप में ठंडा करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां तापमान घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये प्रोसेस लगभग 1 घंटे तक दोहराया जाता है। ऐसा करने से दूध के अंदर के हानिकारक बैक्टीरिया तो मर जाते हैं और साथ ही दूध को कई दिनों तक खराब होने से बचाया भी जा सकता है। शायद इसी वजह से दूध को हमारे घरों में उबाला जाता है। अगले प्रोसेस
जिसमें दूध को होमोजेनाइज्ड कर हाई प्रेशर पर पतली नोजल से गुजार कर एक कंटेनर में डाला जाता है, जिससे दूध में फैट की मात्रा बराबर हो जाती है। अब दूध पैकेट में पैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे साइज के हिसाब से अलग अलग पैकेट में पैक कर बिक्री के लिए मार्केट भेज दिया जाता है।